सदर थाने में मानवाधिकार सहायता संघ कैमूर व थाने द्वारा रक्षा सूत्र समारोह का हुआ आयोजन। सदर थाने में मानवाधिकार सहायता संघ बिहार प्रदेश व सदर थाने द्वारा रक्षा सूत्र समारोह का आयोजन किया गया, जो भभुआ थाना अध्यक्ष रामानंद मंडल के नेतृत्व में आयोजन रखा गया था। जबकि मानवाधिकार सहायता संघ कैमूर के अध्यक्ष महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में रक्षाबंधन पर्व के दिन रक्षा सूत्र बांधकर एक दूसरे को प्रेम बढ़ाने को लेकर यह कार्यक्रम किया गया। इस संबंध में भभुआ थाना अध्यक्ष रामानंद मंडल ने बताया कि आज रक्षाबंधन का दिन है। मानवाधिकार सहायता संघ बिहार प्रदेश के द्वारा भभुआ थाने पर रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया गया है, जो दोनों तरफ से ही एक दूसरे को राखी बांधकर प्यार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने राखी बांधने वाली बहनों को कहा कि आप हमारी रक्षा करें, मैं आपकी रक्षा करूंगा। रक्षा तो एक दूसरे की तरफ से जुड़ी हुई है, एक दूसरे की मदद करना है। और इसके साथ ही पूरे जिलेवासियों को रक्षाबंधन पर्व पर बधाइयां भी दी। जहां कार्यक्रम के दौरान अपर थानाध्यक्ष रणवीर कुमार, सब इंस्पेक्टर संजय कुमार, विनय सिंह, प्रमोद कुमार, बलराम सिंह, राहुल कुमार, थाना के पुलिस अधिकारी व पुलिस जवान उपस्थित रहे। जबकि मानवाधिकार सहायता संघ कैमूर की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता श्री सुदर्शन सिंह, सचिव डॉक्टर विकास सिंह एवं जिला प्रभारी अमित कुमार मौर्य, जिला महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष प्रतिभा कुमारी, जिला सचिव रुखसार प्रवीण के साथ अन्य लोग उपस्थित रहे। रक्षाबंधन का दिन है, मानवाधिकार सहायता संघ बिहार प्रदेश और भभुआ थाने के द्वारा एक आज रक्षाबंधन के अवसर पर रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया गया है। और दोनों तरफ से एक दूसरे को राखी बांधकर हम लोग आपसी प्रेम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस रक्षाबंधन पर सर, जो राखियां बांध रहे उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा? आप हमारी रक्षा करें, मैं आपकी रक्षा करूंगा। रक्षा तो दोनों तरफ से जुड़ी हुई है, एक दूसरे का सहायता ही रक्षा है, एक दूसरे का मदद करना है। जब तक है एक दूसरे की पीड़ा बांटने का प्रयास करेंगे। कैमूर न्यूज के लिए भभुआ से रवि जडेजा की रिपोर्ट। इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।